हाय किड्स, हाय सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन से जंपिंग एनिमल्स। जंपिंग जो एनिमल्स क्या करते हैं? जंप मारते हैं। सबसे पहला एनिमल कौन सा मारता है जंप? फ्रॉग। कितने स्टेप्स मारता है वो एक बार में? टू। फिर स्क्विरल है? थ्री। रैबिट है? फाइव। हॉर्स है? पंद्रह। और कंगारू है? ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि जंप मारते हैं, जैसे कि कंगारू, चीता, चीता, लेपर्ड, बंदर, चीता, बंदर, ठीक है, लंगूर, लंगूर। अब देखो, use the path on the next page to find out in how many jumps will the frog reach 30. अब देखो, ये जो frog है ना, एक बार में कितने jump मारता है ये? दो, ठीक है। अब देखो, दो दो जंप दिखा रखे हैं इन्होंने। अब वो बोल रहे हैं कि ये 30 तक कितनी जंप्स में पहुंचेगा, ठीक है? अब देखो, गिनो कितनी जंप हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी में पहुंचा? 15। यहां पर क्या भरेंगे हम? 15। अब देखो स्क्विरल, अब स्क्विरल की बात हो रही है। स्क्विरल एक जंप में कितना? 3। कितना होती है? 3। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी हो गई? 10। क्योंकि हमने कहां तक पहुंचना था? 27 तक। तो कितनी बार में पहुंचे हम? 9। क्लियर है? अब देखो, विच नंबर विल द कंगारू रीच इन टू जंप्स? कंगारू एक बार में कितनी मारता है? 30। कंगारू 30 मारता है, ठीक है। वो बोल रहा है कि विच नंबर विल द कंगारू रीच इन टू जंप्स। अब देखो, एक जंप में वो 30 पहुंचता है, तो दो जंप्स में कहां पहुंचता होगा? 60 पर हो गए, ठीक है। हु ऑल विल मीट एट नंबर 15? अब वो बोले 15वें नंबर पर कौन कौन मिलेंगे। अभी देखो, ये कौन पहुंचा है यहाँ पे? स्क्विरल पहुंची है, ठीक है। अब देखो, एक फ्रॉग था, एक स्क्विरल थी। फ्रॉग तो पहुंच नहीं रहा यहाँ पे। फ्रॉग 14 पे आया, फिर कहां गया वो? 16 पे। फिर स्क्विरल आई, अब कौन है? रैबिट कितना कूदता है? 5। अब देखो, 5 ठीक है। यहाँ पर और कौन पहुंच गया? ये अब हॉर्स कितना कूदता है? 15। 0 से 15 हॉर्स भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब कौन है? कंगारू। कंगारू तो सीधे 30 पे जाता है, इसका मतलब वो भी 15 पे नहीं आ रहा। अब यहाँ पे तीन कौन कौन मिल गए? रैबिट, हॉर्स एंड स्क्विरल। विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18? रैबिट कितना कूदता है एक बार में? 5। तो अब देखो, पहले वो कहां पे गया? 5 पे गया, फिर 10 पे गया, फिर 15 पे गया। अब कहां गया वो? 20। 15 के बाद 20 पे जाएगा, तो इसका मतलब कभी वो 18 पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या भरोगे? हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स? अब देखो, रैबिट एक बार में कितना कूदता है? 5। रैबिट कूदता है 5, और हॉर्स 15। अब देखो, 5 के टेबल में 15 कहां पर आता है? 3। तो कितनी जंप्स में पहुंचेगा वो इसके बराबर? 3। मतलब हॉर्स की एक जंप और रैबिट की 3 जंप बराबर है। समझ गए या नहीं समझे? हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल 2 जंप्स ऑफ द हॉर्स? अब देखो, हॉर्स की एक जंप कितने की है? 15 की। और कंगारू की दो जंप्स कितने की हैं? 60। दो जंप्स की 60, ठीक है। तो 15 के टेबल में 60 कहां पर आता है? 15 के टेबल में 16, चौथे नंबर पे। तो हाउ मेनी जंप्स? तो 4 जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल्स 2 जंप्स ऑफ द कंगारू। मतलब हॉर्स जब 4 जंप मारेगा, तब जाके वो कंगारू की 2 जंप के बराबर पहुंच पाएगा, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट? अब देखो, फ्रॉग कितना कितना कूद रहा था? दो और स्क्विरल तीन। अब देखो, ये यहाँ पे पहुंचा 0 2 4 6 8। अब स्क्विरल कहां पर आई है? 6। 0 से शुरू किया था उसने, कहां पहुंची? 3 और 6, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि आपको सबसे छोटा उस नंबर पे जहां पर कि दोनों मिलेंगे, तो कहां पर मिले वो? 15। कहाँ पे मिले वो? 6। क्लियर है या नहीं है? कर लोगे? यस सर।